हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान सिंघल। वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गाइस, आज हम लोग का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। गाइस, इस चैप्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी कि इस चैप्टर में आपको किसके बारे में बताया गया। आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने के बारे में बताया गया कि आप प्रोस्पेक्टस कैसे इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये इसमें सेक्शन 23 से लेकर 42 तक सेक्शन डिस्क्राइब किए गए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में इसमें क्या जो सेक्शन 23 से 33 सेक्शन है उसमें अपने को कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और रिलेटेड मैटर की प्रोस्पेक्टस कैसे इशू कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मैटर डिस्क्राइब करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, उसके बाद है पेनल्टीज़ क्या क्या है, उसके बाद बताया गया है GDR के बारे में और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको इसमें जो इसके अंदर जो ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड मैटर है और इशू है, इसके अंदर आपको एक तो पब्लिक में इशू करना प्रोस्पेक्टस को, एक प्राइवेट में इशू करना, ये दो टाइप बताए जाएंगे। गाइज, अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात है कि एक तो कंपनी क्या इशू कर सकती है कि पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू कर सकती है और एक प्राइवेट प्लेसमेंट में अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। कि जब भी कोई भी कंपनी है, जब उनको कैपिटल क्या करनी होती है, राइज करनी होती है, तो कैपिटल राइज करने के लिए कि जो कैपिटल है कुड बी राइज फ्रॉम द पब्लिक, जो अपन कहाँ से पब्लिक एट लार्ज से क्या कर सकते हैं, अपन कैपिटल जो पब्लिक एट लार्ज है वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो जो पब्लिक से हम करेंगे उसे तो हम क्या बोलेंगे, पब्लिक ऑफर बोलेंगे। और जब अपन अपने रिलेटिव से प्री नॉन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ये प्री नॉन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से जब भी हम करेंगे, जब हम जो अपनी कैपिटल है वो राइज करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। कि अपन रिलेटिव्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना शेयर्स है इशू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैपिटल गेन कर रहे हैं, एक्वाइर कर रहे हैं। तो गाइज, इसमें इतना ही था, इसमें इंट्रोडक्शन में और कुछ खास नहीं है, जो रिलेवेंट लाइन थी वो मैंने आपको बता दी। गाइज, अब आगे आते हैं। उसके बाद में हमें बताया हुआ है कि पब्लिक ऑफर और प्राइवेट ऑफर के बारे में बताया गया है। तो अब पब्लिक ऑफर और प्राइवेट ऑफर के बारे में हमें बताया गया, तो इसके अंदर क्या बताया कि जो पब्लिक ऑफर है, पब्लिक ऑफर उसमें क्या प्रस्पेक्टस या फिर पब्लिक ऑफर देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं हम, राइट इशू भी कर सकते हैं और बोनस इशू भी कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोस्पेक्टस में क्या जो इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, ये हम इसमें देखेंगे गाइस। तो गाइस ये देखो, अब जो मैंने आपको ये डायग्राम समझाया ना, ये डायग्राम को आगे क्या किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़ को, या राइट शेयर या बोनस शेयर। लेकिन पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक में भी क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है अपने शेयर्स, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक में अपने शेयर्स को क्या नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती, उस पर बैन लगा होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद ये देखिए जो पब्लिक कंपनी है वो कहाँ कहाँ शेयर इशू कर सकती है, जो अपन ने डायग्राम में इसमें देखा था वही सेम यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये देखिए, जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक में इशू कर सकती है, थ्रू द पब्लिक क्या कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज इशू करके फंड रेज कर सकती है, बाय कंप्लाइंग कौन से प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, जो भी जो सेक्शन 120 जो सेक्शन सॉरी जो सेक्शन 23 ऑफ द सब सेक्शन 1 है उसकी सारी प्रोविजन को कंप्लाई करके वो क्या कर सकती है, पब्लिक ऑफर कर सकती है। उसके बाद वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर सकती है, अपना शेयर्स क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज़ क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। गाइस, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जो ऑफर्स क्या होते हैं वो सब आगे डिटेल में दिए हुए हैं। कोई भी कंपनी है राइट इशू के थ्रू, बोनस शेयर्स के थ्रू क्या कर सकती है, इनके जो प्रोविजन्स एप्लीकेबिलिटी है उनको फॉलो करके क्या कर सकती है, वो भी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। और जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर कैसे इशू कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी राइट इशू एंड बोनस इशू कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है उसे पब्लिक में शेयर करने, वो पब्लिक में अपना शेयर्स को क्या नहीं कर सकती है, पब्लिक में अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, वो अपने सिर्फ प्री नॉन पर्सन्स को ही क्या कर सकती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है। ओके गाइज, ये सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मैंने आपको भी पढ़ाई है वो। उसके बाद गाइज हमें सिक्योरिटीज़ का मतलब बताया गया है कि सिक्योरिटी क्या होती है।
तो सिक्योरिटी में हम शेयर्स को, स्क्रिप्स को, स्टॉक को, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लाइक नेचर इनकॉर्पोरेशन कंपनी एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इन सबको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कलेक्टिव है जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी सिक्योरिटी है, रिसिप्ट जो डिफाइन की गई है सेक्शन क्लोज टू ए जी अंडर सेक्शन 2 के अंदर, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंदर डिस्क्राइब की गई है। कोई भी ऐसी यूनिट है, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया गया है इन्वेस्टर को कोई म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा गाइस। और इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी बताया गया कि कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर ने क्या किया है, इशू किया है, इशू भी स्पेशल पर्पस के लिए, कोई स्पेशल डिस्टेंस एंटिटी के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड हो जाएगा। कोई मॉर्गेज हो, डेप्ट हो गया, कोई एक्नोलेजमेंट हो गया, कुछ भी बेनिफिशियली इंटरेस्ट वगैरह, कोई रिसीवेबल डेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं जो मॉर्गेज डेप्ट दिया है, तो वो सब भी क्या हो गया, इसमें सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ इंक्लूड करती है उसे भी सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दी है तो वो भी इसके अंदर आएगा। कोई भी राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़ है वो सब कुछ क्या आएगा, इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद गाइज राइट शेयर और बोनस शेयर्स, राइट शेयर हैं, बोनस शेयर्स हैं, वो क्या करती है, एक प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है उन्हें किसके अंदर, सेक्शन 62 के अंदर, और जब इसे चैप्टर किसके अंदर 4 के अंदर, और जब भी कोई पब्लिक कंपनी इशू करेगी ना प्राइवेट जो राइट शेयर और बोनस शेयर, तो उसे सेक्शन 23 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। और अगर वो कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड की प्रोसेस में है तो उसे सेबी के रेगुलेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब देखिए ये नीचे एक एक अपने को टेबल दी हुई है जिसके अंदर अपने को बताया गया है, इजी से हमने जो ऊपर पढ़ा है वो हमें समझ में आएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक ऑफर है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल, ये क्या है, पब्लिक कंपनी के अलाउ होता है और प्राइवेट कंपनी के अलाउ नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है। ये बात गाइज आपने 12th में भी पढ़ी होगी अगर आपको याद हो, या फिर आपने CPT में भी पढ़ी है ये बात, या आपने CA फाउंडेशन में भी पढ़ी है कि ये बात की कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है पब्लिक में। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और जो अपनी प्राइवेट कंपनी है वो भी कर सकती है। राइट शेयर और बोनस शेयर है, दोनों कंपनियां कर सकती है। ये वाली सेक्शन जो पब्लिक कंपनी है वो सेक्शन 23 को फॉलो करेगी और ये सेक्शन 62 को फॉलो करेगी। उसके बाद है सेबी की कंप्लाइंसेज है, जो पब्लिक कंपनी होती है उसे जो लिस्टेड है और लिस्टिंग के प्रोसेस में उसे क्या करना पड़ेगा, सेबी की कंप्लाइंसेज को पूरा करना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी के लिए कंप्लाइंसेज को पूरा करना जरूरी नहीं होता। गाइस आई होप समझ आ रहा है आपको, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब #smiley को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, अब हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। गाइस इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया गया कि एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है किसका, MS इन्वेस्टमेंट, जो मैसर्स आर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है वो अपने अलॉट कर दिया अपने शेयर कहाँ पे, अलॉट द शेयर टू द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी विदाउट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस इशू किए बगैर ही क्या कर रही है, अपने शेयर्स इशू कर रही है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी मुंबई, जो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में रजिस्टर्ड है। हियर द गिवन केसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द कंपनी एक्ट, अ पब्लिक कंपनी, तो ये क्या होगी, एक जो पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इशू सिक्योरिटी द पब्लिक, जब वो सिर्फ सिक्योरिटी तभी इशू कर सकती है जब वो क्या करे, एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज़ को तभी इशू कर सकती है जब वो क्या करे, इशू प्रोस्पेक्टस को इशू करे। सेक्शन 26(1) हैज़ डाउन द मैटर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एंड इंक्लूड अ प्रोस्पेक्टस एंड रिक्वायर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर्ड बिफोर इशू, तो जो ये कंपनी है कौन सी, मैसर्स आर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, इसे क्या करवाना पड़ेगा, जो अपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा सबसे पहले, जब वो शेयर इशू करना चाहती है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। सो द कंपनी हैज़ वोलेटाइल द अबो प्रोविजन, तो कंपनी ने क्या किया, वोलेटाइल किया इस सेक्शन का, हैंस अलॉटमेंट मेड इज़ वॉइडेबल, जो उसने अलॉटमेंट किया है वो क्या है, वॉइडेबल है, जो कि क्या है, वैध है, जो माना नहीं जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। एंड द कंपनी विल हैव टू रिफंड द इंटायर मनी, कंपनी ने जितना भी मनी रिसीव किया है ये शेयर इशू करके, वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, और 26
नाइन सेक्शन के 26 क्लोज वो सॉरी सब सेक्शन 9 के अंदर क्या होगा, जो ये कंपनी है इस पे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टीज लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी उसे। तो गाइज वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी पेनल्टीज है। ओके गाइज अब देखते हैं कि जो पावर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ETC, कि इसमें क्या बताया कि जो पावर है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एंड रेगुलेशन बॉडी ऑफ इंडिया जो SEBI है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया। गाइज मैं इसको आपका एक डायग्राम समझाऊंगी, ये सब कुछ उसी में डिस्क्राइब किया है, फिर आप इसे एक्सप्लेन मैं नहीं कर मैं पूरा अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी, और लाइनिंग आप पढ़ लेना अगर ओके। अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर टू रिलेटेड, कि किसके पास अथॉरिटी है, अगर कोई अपने शेयर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और अगर उन्हें अपने ने क्या किया, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अपन ने डिविडेंड पेमेंट नहीं किया, और हमारी कंपनी क्या है, एक लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो हमें क्या किसके गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, SEBI के गाइडलाइंस फॉलो करने ही पड़ेंगे, और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो और लिस्टिंग की प्रोसेस में है तो भी हमें किसके गाइडलाइंस पूरे करने पड़ेंगे, SEBI की गाइडलाइंस पूरे करने पड़ेंगे। और अगर कोई और भी के अगर कोई और अदर केस होते हैं तो उसमें हमें किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कि अगर हमें शेयर इशू करने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं, जैसे आज इशू तो जैसे पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें अगर हमारी कंपनी लिस्टेड है और लिस्टिंग की प्रोसेस में है तो हमें किसकी गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा, हमें SEBI की गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा। और अगर ने डिविडेंड भी जो सॉरी डिविडेंड भी पेमेंट नहीं कर रही है, और न ही शेयर इशू कर रही है और ट्रांसफ़र कर रही है, अगर और कोई भी केस होते तो हमें कौन किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ओके गाइज आई होप आपको समझ आया ये। गाइज मैं आपको आगे ये जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से इसे मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, एज़ पर सेक्शन 24 द प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर 4 विच डील विद द शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सेक्शन 127 विच डील विद द पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिविडेंड इन सो फार दे इशू करना चाहिए वो अपने शेयर सिक्योरिटीज़ को, या फिर उन्हें क्या करना चाहिए ट्रांसफ़र करना चाहिए, या फिर उन्होंने क्या किया नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया, तो बाय द लिस्टेड कंपनी और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, यानी जो लिस्टेड की प्रोसेसिंग में है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी एक्ट जो प्रिस्क्राइब किया गया है। और अगर कोई भी केस अदर कोई केस होता है तो वहाँ कहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओके गाइज ये सेक्शंस के बारे में इस पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है, ये आप पढ़ लेना। अब बारी आती है गाइज प्रोस्पेक्टस होता क्या है, तो गाइज अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस है वो होता क्या है। अब यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन हमें सेक्शन 270 में दी गई है। गाइज ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैं आपको सेक्शन 2 पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने डेफिनेशंस को स्किप किया था कुछ, मैंने कहा था कि आगे ये सारी डेफिनेशंस हैं वो सब क्या आप कहाँ पे आपको मिलेगी आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगी। तो गाइज वहाँ पे ये टू से जो सेक्शन टू था उसके अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के अंदर ये क्या प्रोस्पेक्टिस की डेफिनेशन डिस्क्राइब की है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या की थी स्किप की थी, अब वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो कंपनी एक्ट है 2013 ये क्या बताता है कि प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करते हैं हम किसके थ्रू, इशू एज ए प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, ये प्रोस्पेक्टस के 3 टाइप्स होते हैं, रेडी रिंग प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 32 में डिस्क्राइब है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो 31 में डिस्क्राइब है, और कोई भी नोटिफिकेशन है, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजमेंट है, डॉक्यूमेंट, इन्वाइटिंग ऑफर, जो कोई भी मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेड हीरिंग प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई नोटिस हो, कोई सर्कुलेशन हो, या और कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो क्या कर रहा हो इनवाइट कर रहा हो, क्या कर रहा हो इनवाइट कर रहा हो किसको, पब्लिक को, फॉर किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कि हमारी आओ या फिर हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करो, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। ओके गाइज देखिए अब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होते हैं वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, कि यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में क्या होनी चाहिए, और स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में क्या होनी चाहिए। इसके अंदर ये आपको ये बताता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन में मतलब प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स बताते हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या मैटर इंक्लूड होना चाहिए, कौन सा मैटर इंक्लूड होना चाहिए, उसके बारे में ये आपको डिटेल देता है।
सो गाइस अब देखते हैं हम कि प्रोस्पेक्ट गाइस ये मैं आपको वो डिटेल सारी नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताओ। अगर भी अगर एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर पूछने वाला क्वेश्चन पूछते का भी अगर आई इंस्टीट्यूट वाले अपन से क्वेश्चन पूछते हैं तो शायद ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आता है, तो 5 4 मैटर्स आपको लिखने के लिए बोल दे, या फाइनेंशियल में कौन से मैटर्स आते हैं उनके बारे में 3 to 5 पॉइंट्स आपसे पूछ ले, स्टैचुरी जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए आपसे 3 to 5 क्वेश्चन पूछ ले। अभी तक गाइस प्रीवियस अटैम्प्ट में ही देखा गया है कि प्रोस्पेक्टस चैप्टर से जो प्रोस्पेक्टस के टाइप है, सेल्फ हियरिंग प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस और सॉरी सेल्फ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, उन तीनों में से हर बार एक क्वेश्चन आता है उन तीनों पे, एक शॉर्ट नोट लिखना आता है। अभी नवंबर 2018 में शायद गाइस ही एवरेज प्रोस्पेक्टस पे लिखना आया था, मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है, मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ। ओके गाइस चलिए हम अपना, अब मैं आपको कुछ मैटर्स बताऊंगी इसके अंदर, वैसे वैसे मैं हेडिंग्स ऊपर ऊपर से गाइस मैं बताने वाली हूँ आपको, इतना डिटेल में नहीं बताने वाली मैं आपको। सबसे पहले आता है कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, जो नेम इसमें क्या, कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, कंपनी का CEO कौन है, कंपनी का ऑडिटर कौन है, लीगल एडवाइज़र कौन है, कंपनी का बैंकर कौन है, ट्रस्टी कौन है कंपनी का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आगे आती है सेकंड पॉइंट में कि कंपनी की डेट क्या है ओपनिंग की, जो सॉरी सॉरी जो जो सॉरी सिक्योरिटीज़ इशू करने की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट ऑफ इशू क्या है, डिक्लेरेशन कुछ है तो वो भी आ जाएंगी, कोई रिफंड पॉलिसीज़ वगैरह वो सब कुछ उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद क्या स्टेटमेंट है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई स्टेटमेंट आ गया, कोई बैंक का जो स्टेटमेंट, कोई सेपरेट बैंक अकाउंट में हमें जो जो अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जो मनी रिसीव होगा वो हमें क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स हमें थोड़ी देनी होंगी, और कहाँ पे इस मनी का यूटिलाइज़ होगा उसका भी, और कहाँ पे ये मनी हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे उसका पूरा प्रिस्क्राइब मैनर में हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम अंडरराइटर के थ्रू इशू करें तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टर को इसमें हमें कंसेंट चाहिएगी किसकी, डायरेक्टर की, ऑडिटर्स की, बैंकर्स की, जो अपने एक्सपर्ट होते हैं उनकी टू इशू, और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिएगा कि हाँ ठीक है ये कंपनी इनका कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ ऐसा कुछ, उनकी पूरी एक्सपर्ट चाहिएगी। उसके बाद गाइस आता है कि ये क्या करेंगे, अथॉरिटी क्या करेगी, इशू करेगी, क्या इशू करेगी, अपनी डिटेल में रेजुलेशन जो उसने जनरल मीटिंग के अंदर पास किया वो रेजुलेशन दिखाएगी, उसका टाइम शेड्यूल क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटीज़ का, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी की क्या है। तो गाइस ये सब ऐसे ही पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेना, और आपको जो समझ में ना आए ना आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वापस से कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन करके दूंगी। ओके गाइस अब हम बढ़ते हैं, गाइस ये आप पढ़ लेना, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर जो क्या डिसाइड करेगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कंपनी की एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़, कोई अदर मैटर कंपनी का। उसके बाद कंपनी की रिपोर्ट बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, 5 फाइनेंशियल ईयर की, जो इमिडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 5 फाइनेंशियल ईयर है उनकी, क्या करेगा ये रिपोर्ट तैयार करेगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा, और सब्सिडरी कोई उसकी कंपनी है तो उसके बारे में डिस्कस करेगा, होल्डिंग कंपनी के बारे में बताएगा। उसके बाद ये क्या बताएगा, रिपोर्ट प्रिस्क्राइब मैन ऑडिटर अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी फॉर 5 फाइनेंशियल इमीडिएट प्रिसीडिंग, असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस, लास्ट डेट ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस वर मेड एंड डेट नॉट मोर देन 118 डेज बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कि ये बोल रहा है अब हमें क्या बताएगा कि जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस है इमीडिएटली प्रिसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर की, क्या पूरी प्रॉफिट लॉस है कंपनी की, कितनी असेट्स थी कंपनी की, क्या कंडीशन थी कंपनी की, पोजीशंस के बारे में बताएगा, और नॉट मोर देन 180 डेज बिफोर, कि प्रोस्पेक्टस इशू की है ना उससे से मतलब 180 दिन के अंदर अंदर है ना, 180 दिन के अंदर हमें डिटेल चाहिए, नहीं है कि उससे मतलब 200, अगर आज मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो इससे 180 दिन पहले तक की रिपोर्ट क्या है मैं ऐड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा की रिपोर्ट मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती हूँ। ओके गाइस उसके बाद है बिजनेस के ट्रांजेक्शंस की कुछ रिपोर्ट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ अपील किया गया तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद इसमें आता है कि जो थर्डली अंडर द जो स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस होगी, कंपनी एक्ट की कुछ गाइडलाइन होगी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ गाइडलाइंस होगी, तो वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, इसे कंप्लाइंस करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, और अदर मैटर है जो भी कंपनी को प्रिस्क्राइब किया गया है वो सब उसे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा।
ओके गाइस, अब देखते हैं हम आगे वाला मैटर। आगे आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नथिंग इन द सेशन शैल बी अप्लाई, कि इसमें क्या क्या अप्लाई। अब गाइस हम एक्सेप्शंस देखते हैं, सॉरी, अब हम जो एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो किन के लिए मतलब जरूर इशू करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई भी जो एग्जिस्टिंग मेंबर है और जो डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑफ द एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर ऑन डिबेंचर ऑन एप्लीकेशन, ही हैज़ राइट टू रिनाउंस द शेयर नोट अंडर द सबसेक्शन ऑफ क्लोज सेकेंड ऑफ अ क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 62 इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर है, कोई भी जो डिबेंचर होल्डर है, वो क्या कर रहा है अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसी एनी अदर पर्सन को, तो उसे क्या नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता प्रोस्पेक्टस इशू करना। और कोई भी अगर कंपनी है जो क्या कर रही है कि इश्यू द प्रोस्पेक्टस फ्रॉम द एप्लीकेशन रिलेटिंग टू शेयर है, डिबेंचर है और इन द रिस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म, जो शेयर वो प्रीवियसली इशू कर चुकी है आज उसी टाइप के वो शेयर अगर आज इशू कर रही है ना, तो उसे क्या करना, उसे क्या है रजिस्ट्रेशन जो सॉरी प्रोस्पेक्टस इशू करने की क्या ज़रूरत नहीं है। आज मैंने ए टाइप के एक शेयर इशू करा, ठीक है, तो वो ए टाइप, आज मैंने ए टाइप वाले शेयर्स क्या करे हैं, इशू करे हैं, जो शेयर वो मैं ये ए टाइप वाले शेयर मैं 1 महीने पहले क्या कर चुकी हूँ, इशू कर चुकी हूँ, तो आज मुझे ये शेयर्स को क्या करना, जो प्रोस्पेक्टस इशू करने की वापस क्या है नीड नहीं है, जो मैंने शेयर सेम वाले सेम कैटेगरी वाले क्या किए हैं, मैंने शेयर्स को इशू किया है। ओके गाइस, अब उसके बाद आता है जो है एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन सेक्शन 1, सॉरी सब सेक्शन 1 ऑफ द प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कि कोई भी कंपनी है तो अब ये बोल रहा है कि कौन सी डेट उसकी पब्लिकेशन की डेट, जो डेट प्रोस्पेक्टस पे लिखी होती है ना, वही क्या है प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन की डेट बन जाती है। गाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इसमें, ये सिर्फ आप ओवरव्यू के लिए मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये मैटर 5-6 मैटर आपको पता होना चाहिए कि ये मैटर होते हैं। तो फिर आगे क्या बताया गया कि प्रोस्पेक्टस टू बी इश्यू आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस विद अदर फॉर्मेलिटीज़। कि जो जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर के पास क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर होना जरूरी चाहिए। अगर वो रजिस्टर के पास रजिस्टर नहीं होता तो वो क्या नहीं होता, जो वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं होता, तो वो क्या होना चाहिए रजिस्टर में, जो रजिस्टर के पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आता है इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट में जो हमारे सीए हैं, हमारे जो सीएस हैं, सीए है, सी ए जो सीएस है, सीए है, CWA, CMA में होते हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, हमारा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सॉरी जो हमारा लीगल एडवाइज़र है, उन सब की क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है वो हमारी कंपनी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि हमारी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो डिफॉल्ट नहीं किया है तो उन सब की क्या चाहिए, हमें कंसेंट चाहिए प्रोस्पेक्टस के साथ, और जो उनकी कंसेंट है ना वो विड्रॉ नहीं होनी चाहिए बाद में। कि ऐसा नहीं है आज से उन्होंने प्रोस्पेक्ट जो अपनी कंसेंट है दे दी और बाद में उसे विड्रॉ कर लिया गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि मेंशन कंप्लायंस ऑफ द फॉर्मेलिटीज एवरी प्रोस्पेक्टस इशू अंडर द सबसेक्शन वेल सॉरी 1 सेम फेस ऑफ इट, इसके फेस पे जो प्रोस्पेक्टस पे क्या लिखा होना चाहिए। इस पे लिखा होना चाहिए कि जो कॉपी है वो डिलीवर कर दी गई है रजिस्ट्रार को, और जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जितने भी रिक्वायर्ड थे वो इसके क्या है अटैच है सब कुछ, कुछ भी ओमिट नहीं किया हुआ है, कुछ भी इसमें छुट्टा नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें झूठी नहीं है, ये सब हमें क्या करना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा, इसके फेस पर ये बातें हमें लिखनी पड़ेंगी। फिर आता है कि अगर जो हमारी रजिस्ट्रेशन से पहले की जितने भी हमारी जो कंप्लाइंसेज है, रजिस्ट्रेशन से पहले हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लाइंस होती है तो उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पूरा करना पड़ेगा कंप्लाई विद द प्रोस्पेक्टस, तभी इसमें रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी उस पर प्रोस्पेक्ट जो जो पर्सनस नेम इन दी प्रोस्पेक्टस, मतलब जिन लोगों ने जो रजिस्ट्रार है, तो ये क्या बोल रहे, देखो द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर्ड अ प्रोस्पेक्टस, कि रजिस्ट्रार है तब तक उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक क्या हमें हमारे पास एक्सपर्ट की कंसेंट नहीं होगी, रिटर्न में हमें कंसेंट चाहिए होगी, जो हमारी गाइडलाइंस है रूल्स है वो सब हमने फॉलो कर लिए, तो ये हमें क्या रजिस्ट्रार के पास रिटर्न में भेजना पड़ेगा कि हमने सारी रूल्स गाइडलाइंस है वो पूरी कर ली है। उसके बाद गाइज आता है पीरियड ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जो नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ़ इट इज़ इश्यू मोर देन
90 days आफ्टर द डेट ऑफ विच कॉपी इज डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी आज मान लो कि प्रोस्पेक्टस मैंने किया, अपना रजिस्टर करवा लिया, इसके 90 डेज के अंदर अंदर, इसके 90 डेज के, सॉरी गाइस, 90 डेज के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करवा, सॉरी, इशू करना पड़ेगा। अगर मैं 90 डेज के बाद, 91 डेज को भी मैं अगर अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती हूँ, तो वो क्या होगा, इनवैलिड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जो प्रोस्पेक्टस इशू करने की प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, हमें फिर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ओके गाइस, फिर आता है कि पनिशमेंट क्या मिलेगी अगर हमने कॉन्ट्रावेंस किया है। तो इफ़ द प्रोस्पेक्टस इशू इन कॉन्ट्रावेंस अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, के ऊपर जो हमारा जो सेक्शन हमने पढ़ा था उसके अंदर हमें जितने भी जो प्रोविजन थे, तो उनके लिए क्या पेनल्टी लगेगा। ये लाइनेंस पढ़ने की बजाय मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए, अगर हमने सेक्शन 26 का कॉन्ट्रावेंशन किया, किसमें बताया हुआ है कि कोई कंपनी है वो अपने जो प्रोस्पेक्टस को कैसे इशू करेगी, क्या क्या उसमें कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसमें मैटर होना चाहिए, तो अगर कंपनी सेक्शन 56 को फॉलो नहीं करती है, तो कंपनी पे क्या पेनल्टीज लगेगी। फाइन लगेगा कंपनी पे 50,000 का, मैक्सिमम 3 लाख का, और इम्प्रीजमेंट होगी अप टू 3 ईयर। अगर उसके बाद, और अब इस जो पर्सन इसमें नोविंगली जो पार्टी है जिन्होंने डिफॉल्ट किया, उन पे कितना, 50,000 तो रुपीस, मैक्सिमम 3 लाख, और बोथ फाइन एंड इम्प्रीजमेंट दोनों हो सकता है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेजर मेजर मिनिमम कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस आर टू बी, ये गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सब बकवास लिखा हुआ है। मतलब आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, बस इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दीज रिक्वायर्ड टू आर नॉट, कि जो ये प्रोस्पेक्टस है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर अपन क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर है अपना, या फिर अपना क्या है डिबेंचर, एग्जिस्टिंग मेंबर है या फिर अपना डिबेंचर होल्डर है, उसे अपन क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो अपने को क्या प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है। उसके बाद गाइज हमें बताया हुआ है कि अगर अगर अपन क्या कर रहे हैं, टू इश्यू ऑल द रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म शेयर है, अगर हम, मैंने आपको वो ए कैटेगरी वाला एग्जाम्पल दिया था कि हम ए कैटेगरी वाली शेयर्स हैं हम इशू कर रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल, वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी की हुई है। उसके बाद गाइस आता है कि क्या क्या जो सेक्शन, कोई अदर सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, ऊपर जो हमने पढ़ी उसके अलावा, और सेक्शन 56(2) में जो सेक्शन 26 के अंदर और क्या क्या है कि ROC द प्रोस्पेक्टस टू बी रजिस्टर्ड विद इन ROC के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए विद इन 90 डेज बिफोर द इशू, कि 90 डेज पहले क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस, क्या होना चाहिए कि ROC में रजिस्टर्ड होना चाहिए। गाइज ये बात घुमा फिरा के वहीं दी हुई है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो कितने डेज के लिए वैलिड होता है, 90 डेज के लिए प्रोस्पेक्टस 90 डेज के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। तो अब इसने क्या बोल दिया कि ROC के साथ है, 90 डेज क्या होना चाहिए, बिफोर इशू होना चाहिए, तो बस वो घुमा के बाद बोली हुई है, और कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। और जितनी भी रजिस्ट्रेशन की कंप्लाइंस है, जो रजिस्टर है तब तक वो रजिस्टर नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन तब तक क्या नहीं किया, रजिस्टर तब तक अपना क्या प्रोस्पेक्टस नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा जब तक अपने सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा ना किया हो। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो क्या हमें करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए इसमें, एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। एक्सपर्ट में कौन कौन आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, और कोई भी पर्सन है जिसे अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने की। गाइस ये डेफिनेशन भी हमने, एक्सपर्ट की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, डेफिनेशन में, सेक्शन में। गाइस उसके बाद आता है कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू बी डिमेटरलाइजेशन फॉर्म, डिमेटरलाइजेशन फॉर्म। गाइस आपने देखा हो कि आजकल फिजिकल फॉर्म में कोई भी शेयर इशू नहीं होते हैं, आजकल सब शेयर्स ऑनलाइन यूज इशू होते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू होते हैं। गाइस डिमेटरलाइजेशन फॉर्म या डीमेट अकाउंट के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा होगा, आपने थोड़ा वो CPT में के अंदर भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या बताया कि जो एवरी कंपनी है जो पब्लिक में अपने शेयर्स इश्यू कर रही है, तो वो क्या जो क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज है जो प्रिस्क्राइब रूल अंडर 9 के अंदर क्या करेगी, वो अपने जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 14 शैल इशू द सिक्योरिटी ओनली इन डीमेट, जो क्या है अपनी जो जो कंपनी एवरी कंपनी यानी जो भी कंपनी है वो पब्लिक में शेयर इशू कर रही है, क्या कर रही है, पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो जो कंपनी पब्लिक में अपने शेयर इशू कर रही है उसे अपने शेयर्स डीमेटरलाइजेशन फॉर्म में क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। ओके गाइस उसके बाद बताते हैं गाइस कि जो एनी अदर कंपनी,
अदर देन अ कंपनी मेंशन इन सब सेक्शन वन एंड मे बी कन्वर्ट द सिक्योरिटी इन टू डीमेटेलाइजेशन फॉर्म और इश्यू इट्स सिक्योरिटी इन द फिजिकल फॉर्म अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट और डीमेटेलाइजेशन फॉर्म इन अकॉर्डेंट विद द प्रोविजन ऑफ डिपोजिटरी एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशन मेड अंडर देयर। तो ये क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपने आप को डीमेटलाइजेशन फॉर्म में क्या करवा सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। अगर वो फिजिकल फॉर्म में डीमेटलाइजेशन फॉर्म में आना चाहती है तो वो क्या है, आ सकती है। ओके गाइज, उसके बाद गाइज अब हमारा पॉइंट आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेडिटिंग प्रोस्पेक्टस एंड एवरीज प्रोस्पेक्टस। गाइज वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, #smiley एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए गाइज। बाय बाय गाइज, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल गाइज। थैंक यू सो मच।